और इस गाँव मंडोरी के खेड़े ने के खेड़ा ही पावन हुआ करता है, हैं जी। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी भक्त और याद करेंगे उस शख्सियत को जिन्होंने इतना बड़ा रास रचा दिया, आत्मा सो परमात्मा हुआ करता है। और इस गाँव मंडोरी के खेड़े ने मैं अपना शीस झुकाऊं गुरु रामनाथ बाबा जी की, जी मन की कथा सुनाऊं गुरु रामनाथ बाबा जी की, जी मन की कथा सुनाऊं। इस गाँव मंडोरी के खेड़े ने, गाँव मंडोरी के खेड़े ने अपना सिर झुकाऊं रामनाथ बाबा जी के, जी मन की कथा सुनाऊं रामनाथ बाबा जी के, जी मन की कथा सुनाऊं। देवी करके जहां गुजारा हे शंकर जी और शांति देवी करके यहां उजारा, रहने सहन का ढंग था न्यारा, रहन सहन का ढंग था न्यारा, आके की बात बताऊं रामनाथ बाबा जी के, जी मन की कथा सुनाऊं की कथा सुना। भवदास महाराज जी 101 रुपए से सम्मान करते हैं इस भजन का और हमारे भाई 51 रुपए से इस भजन का सम्मान करते हैं। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, जोरदार ताली। और दूसरी कड़ी ने क्या लिख दिया, कैसे कंगल सिंह और सानिति देवी करे थे खेती क्यारी, कंगल सिंह के एक बेटी थी प्यारी, छह बेटे थे कंगल सिंह के एक बेटी थी प्यारी, अरे ईश्वर की माया न्यारी रे, ईश्वर की माया न्यारी, हर में ध्यान बताऊं रामनाथ बाबा जी की, मन की कथा सुनाऊं की कथा सुना सच्चे दरबार की। और हमारे आदरणीय हंसराज महाशय जी, देखिए हंस ये नाम भी बड़ा पावन है कि हंसा उड़ चल अपने देश के मौज उड़ावेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है बाबा, ये तो तेर मेर का संसार है, हैं जी। किसी ने कहा है कि तेर मेर का रोना है बिन तेर मेर संसार नहीं, और हंस उड़ा रह गया पुतला यो तेरा राजकवार नहीं।
तो आदरणीय गुरुजी 101 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। और तीसरी कली में क्या लिख दिया कैसे, और सन 1960 में फरवरी ऐसा जन्म लिया था, 15-16 साल उम्र में शिव का भजन किया था, 15-16 साल उम्र में शिव का दान लिया था, और नाथ पंथ को मन में लिया था, नाथ पंथ को मन में लिया था, भोले नाथ बताऊं रामनाथ बाबा जी के भी मन की कथा सुनाऊं, उनकी कथा सुना हमारे श्री चमनदास महाराज जी के परम शिष्य आदरणीय मास्टर जी श्री पाल मार्शल जी 101 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। और क्या लिखा कैसे, और आदरणीय शीशराम कैप्टन जी जो बाबा जी के परिवार से हैं, भंडारा कर रहे हैं, 501 रुपए इस भजन में खुश होकर देते हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए, जोरदार ताली। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, एक बात बताएं कि जो बाबा जी इस गांव के खेड़े को छोड़कर एक बार घूमने के लिए गए, ये बताएं कि कहां पे गए थे, कि जब वो भगवान को याद करता है भक्त तो पता नहीं किस रूप में भला करने के लिए कहां चले जाए, क्यों जी ना जाने किस रूप में आ जाए। तो क्या लिखा थे चौथी गली में कैसे, और आदरणीय लखिया जी रतिया जी इसी परिवार से 101 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय बल्ली जी इसी परिवार से वो भी 101 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय राजन जी 101 रुपए से इस पार्टी का मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। आदरणीय बाबा प्रताप जी 101 रुपए सभी को बार बार धन्यवाद। और हमारे भैया शिवदत्त जी वो भी 101 रुपए देते हैं, बार बार धन्यवाद। और क्या लिखा कैसे, कदम बढ़ाया था पहाड़ों के रास्ते पैदल चल बंदवाड़ी मंग आया था, पहाड़ों के रास्ते पैदल चल बंदवाड़ी मंग आया था, अरे ऐसा रास रचाया था, ऐसा रास रचाया था, बालों का संत बताऊं रामनाथ बाबा जी के जीवन की कथा सुना,
कथा सुनाओ। गजब लगाए थे चौधे रवाले बन के वहा गजब लगाए थे भवदास को तरस कराए थे भवदास को तरस कराए थे यू मैं पाल गुण गाऊं रामदास बाबा जी के जीवन की कथा सुनाऊं अरे रामदास बाबा जी के जीवन की कथा सुनाऊं।